बवाल होने की घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पीआरवी पुलिस को दबंगों ने पीआरवी सिपाही के एक डंडे से पीटकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि मौके से सिपाही ने भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान दबंगों की पिटाई से सिपाही समेत दो लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके पर एसपी सिटी विनय सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल का मुआयना किया है। मामला खोराबार थाना क्षेत्र के मझरिया इलाके का है, जहां मजदूर सुभाष चंद्र की जमीन पर उसके पटीदार राम निवास, राम भोला, रामावतार और राम नरेश जमीन पर कब्जा करने की नीयत से अवैध निर्माण करा रहे थे। इसकी जानकारी होने पर सुभाष चंद मौके पर अपनी पत्नी के साथ अवैध निर्माण रुकवाने पहुंचा था। मौके पर सुभाष के विरोध करने पर दबंगों ने काम नहीं रोका, जिस पर सुभाष ने खोराबार पुलिस को फोन किया था, जिस पर पीआरवी 314 मौके पर पहुंची थी। मौके पर पहुंचने पर पीआरवी के सिपाही विजय कुमार ने दोनों पक्षों को विवाद करने से रोका था। बावजूद इसके दबंगों ने सिपाही विजय कुमार पर भी हमला बोल दिया। दबंगों ने डंडों से मारकर सिपाही का सिर फोड़ दिया, साथ ही पीड़ित सुभाष को भी मारकर घायल कर दिया। पीड़ित के मुताबिक मौके से भागकर सिपाही ने जान बचाई थी। वहीं सिपाही की पिटाई की सूचना पर मौके पर एसपी सिटी विनय सिंह की अगुवाई में कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची, जहां पुलिस की आने की सूचना पर दबंग मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि जमीन पर एक पक्ष जबरन कब्जा करना चाह रहा था, जिसकी सूचना पर पीआरबी का सिपाही मौके पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पहुंचा था। इस दौरान दबंगों ने सिपाही पर हमला कर उसे घायल कर दिया। एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि दबंगों की शिनाख्त कर ली गई है, उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जा चुका है और जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने कहा, यूपी 100 तो यूपी 100 है ना जी। एग्रीमेंट करवाते हैं खाली, एग्रीमेंट कराएंगे कुछ साल के रेट पे। और तुम्हारा था कितना? ये नंबर क्या, बाघ का नंबर है क्या? बाघ है ना, क्या लगता है? 90 का मतलब हो गया 28 साल, 28 साल से वो इस पे काबिज है। इस पे कब्जे तुम्हारा पिछले मतलब 20-25 साल से नहीं। सरकार हमारे घर नहीं बने देता। बिना उसके कहे ये किसान तो कम नहीं है, जिसको कुछ नहीं जा पा रहा है कई बार मतलब ये मतलब इन्होंने इनकी जमीन एक्वायर करा है क्योंकि मुआवजा मिला लेकिन कितना कितना जो काबिल था सर इनको कोर्ट से अपना काम करके आना हम तो रिश्तेदारी में आए हैं।
मुआवजा कितना पाया था पुलिस ने? थाना खुराबार के अंदर यहाँ पर पीआरवी को सुबह सूचना आई थी कि दो पक्षों में ज़मीन को लेकर विवाद हो रहा है। उसके बाद वहाँ पर दोनों पक्षों को हिदायत दी गई थी कि वो कंसर्न जहाँ भी चौकी थाने तहसील पे जाके अपने विवाद का निस्तारण कराएं। ये दोनों पक्षों के बीच में ज़मीन का विवाद चल रहा है, दोनों पक्ष एक ही जाति के हैं और ये विवाद लंबे टाइम से चल रहा था। इसके ऊपर जो अभी तक की जानकारी वहाँ पर स्टे था, उसके बाद एक पक्ष ने वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य कराना चालू किया जिसके वजह से वर्तमान में फिर कशीदगी हुई। इसके बाद पीआरवी के जाने के बाद जो जानकारी है उसके बाद दूसरे पक्ष ने उस चीज़ को नहीं माना, पुनः कंस्ट्रक्शन कराना चालू किया। इसके बाद पीआरवी को जो UP-100 उसको फिर सूचना हुई थी, पीआरवी पहुंची, तब तक शिफ्ट इसके अंदर चेंज हो गई थी। वहां पर पहुंचने के बाद जो कॉलर था उससे जो अभियुक्त पक्ष गुत्थम गुप्ता करने लगा। इसके अंदर मौके के ऊपर पुलिस ने जब वहाँ पर इंटरवीन किया तो उसके अंदर जो हमारा एक सिपाही है जो पीआरवी के अंदर था उसको भी चोट लगी। और जिस सूचना मिलते ही वहाँ पे तत्काल सारे वरिष्ठ अधिकारी, सभी SP सिटी CO सभी वहाँ पे पर्याप्त संख्या के साथ पहुँचे। वर्तमान में स्थिति सामान्य है और जो सिपाही है वो नॉर्मल है उसकी कंडीशन। जो अभियुक्त पक्ष हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, एक जने को अरेस्ट भी कर लिया गया है, बाकी लोगों के नाम आइडेंटिफाई हो गए और शीघ्र जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। दोनों लोग आपको उसी दौरान चोट लगाया जो छुड़ाने का था उसी में जब पुलिस कॉलर को छुड़ाने लगी तो उन्होंने जो हमारा सिपाही था उसके ऊपर भी जो है डंडा मार दिया।